और ये के जिंदा जलाली और में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और जितने भी नाजन आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बख्शा हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जितने भी आप सब देख रहे हैं मेरी तरफ से आपको राख का बुत एशनडे बहुत बहुत मुबारक हो लेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका है आज पहला रोज़ा है हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और मेरे मैं आपको कहना चाहती हूँ आप ज़रूर दुआ और रोज़ा में ठहरें और जब आप दुआ और रोज़ा में ठहरेंगे खुद आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करेगा अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी यस्ु के फजल से जाती रहेंगी मेरे साथ मौजूद हैं होस्ट करें खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजर पास्टर इमरान आपको भी वेलकम और खुशामदीद एंड हैप्पी ऐश वेन्सडे थैंक यू वेरी मच मैम साहब को भी रात का बुत बहुत-बहुत मुबारक और खुदामंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है पहला रोजा है और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये बड़े अच्छे आयाम अब शुरू हो चुके हैं दिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक उस बात के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए مقرر की है रदर ने मैंने मैं मैंने यकीनन पास न खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया और जब वो इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किए अंधों की, की आंखों को खोला और फिर हम देखते हैं कि उस यसु मसीह ने भी चालीस दिन और चालीस रात का रोजा रखा फाका किया और हम देखते हैं कि अबलीस ने उसका जुमाया लेकिन उसने फतेह पाई अबलीस को शिकस्त दी और हमें भी फतेह मंदिर यकीन नाजरीन आज हम खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत स्लाम और राग का बुद्ध ऐश वेनस्टे बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज पहला रोज़ा है और आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम और इसके अंदर हमारे साथ बड़े अच्छे खूबसूरत खुदा के खादमीन हैं आज आप कलाम की बातें भी सुनेंगे कलाम सीखेंगे गुफ्तगु के वसीला से यकीनन आप बरकत पाएंगे और खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा तो जिस तरह खुदा की खादमा खुदा की मोहब्बत के बारे में बात कर रही थी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है अगर जॉन थ्री सिक्सटीन के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए तो मेरे आपके और मेरे लिए ये बड़े अच्छे दिन हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं खुदा के सामने दुआ के साथ रोज़ा के अंदर ठहर सकते हैं मुझे और आपको रूहानी और, के नाम को और में। Lord, तो पास्टर की भी रोजा रख सकते हैं लेकिन जितने भी आप देख रहे हैं अगर आम रूटीन में आप रोजा नहीं रखते तो ये रोजों के आम भी आपके लिए एक अपरचुनिटी है कि आप दुआ और रोजा में ठहरें खुदा के हजूर फरियात करें खुदा के नज़दीक आए और यकीन है जब आप खुदा की हजूरी में दुआ और रोजा में ठहरेंगे खुदाब आपकी जिंदगी के बंधनों को खोलेगा तो पास इमरान जैसे कि नाजिन जानते हैं हमारे साथ ग्रेस प्रोग्राम में मुखलिफ गेस्ट खुदा के खादमी आते हैं तो आज हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन मौजूद है तो ना, ना आपको बताना चाहती हूँ आज हमारे साथ मौजूद है द डीन ऑफ लाहौर कैथीड्र रेवरेंड शाहिद मिराज साहब पादी साहब आपको वेलकम और खुश और राह का बुद्ध बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो गॉड ब्लेस यू और खुदावंद सबको बहुत बरकत दे आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर विल्सन असगर पास्टर विल्सन आपको भी वेलकम और खुशामदीद थैंक यू गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड इसी तरह आज हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर रियाज मलिक मौजूद हैं पास्टर रियाज आपको भी वेलकम और खुशामदीद आज आपको भी भी और so कि आप हर रोज़ देखते हैं हैं बरकत पाते हैं, आज भी मेरा ईमान है जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे रोजा के हवाले से सीखेंगे आप बरकत पाएंगे तो आए मेरे चीजों सब आंखें बंद हो जाएं सब सर खुदा की हजूरी में झुक जाए खुदा के पास्टर पास मलिक के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे जिंदा आसमानी बाप हम यीशु मसीह के बाबरकत नाम से तेरे सुंदर चरणों में आते हैं yes, और आज ऐश वेनेसडे के इस प्रोग्राम के वसीला ली। से ली। मिन्नत करते हैं खुदावंद के तमाम घरों में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाता है देखने वाले बरकत पाएं, सुनने वाले बरकत पाए yes, और आज के इस ऐश वेनेसडे के दिन पर खुदावंद जब रोज़ों का शुरू हो चुका है खुदावंद इन रोज़ों के अयाम में लेंट सीजन में तू हमें और ज़्यादा अपनी कुर्बत को बख्शना जब हम इन रोज़ों में खुदावंद कलाम के ऊपर मेडिटेट करते हैं और ख़ास तौर पर यसु मसीह की जानकनी को अपने सामने रखते हैं बख्श दे कि ये रोज़ों के दिन खुदावंद हमें और ज़्यादा तेरे करीब लाएं और हम और ज़्यादा तुझे जाने समझे बरकत पाएँ ये दुआ मांगते हैं खुदा यसु मसीह के बाबरकत नाम में आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू वेरी मच भाई साहब नाजन जितने भी आप देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ आज कल जब के रोज़ों के आम है आज पहला रोज़ा है रोज़े शुरू हो गए तो आप खुदा की मोहब्बत को भी अपनी ज़िंदगी में देखिए कि उसने तो आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया है लेकिन क्या आपने अभी तक हमेशा की ज़िंदगी को हासिल किया है कि नहीं या अभी भी आप गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मेरे जो वो आपके और मेरे लिए सलीब पर चढ़ गया उसने मेरे और आप के लिए कम कोड़े खाए उसके हाथों और पैरों में मेरे और आपके लिए कील जो है वो ठोके गए मेरे चीजों तो आप अगर गुनाह के अंदर हैं, अगर खुदावन से दूर हैं, तो मैं चाहती हूँ खुदावन के नजदीक आ जाइए खुदावन को कबूल कीजिए और खुदावन के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएँ इससे पहले कि आज के गेस्ट के साथ मज़ीद हम गुफ्तु करें आए हम खूबसूरत गीत सुनते हैं सूली मोडे चुके नईम एजाज का ख़ूबसूरत ये गीत है आए इस गीत को सुनिए और बरकत पाइए प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मेरे जो अभी आपने खूबसूरत गीत सुना यकीन वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सूली उठाकर चलता रहा और उसको मारा गया उस पर सियासत की गई लेकिन मेरा जजो उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और मुझे और आपको उसने फतामन जिंदगी बख्शी कैसे फतामन जिंदगी बख्शी वो मेरे और आपके गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया मर गया दफन हुआ खुदा हम की गुजारी करते हैं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो मुझे पास्टर्न आप को बल्कि कुल कायनात को हमेशा की जिंदगी का वारस बनाता एमें। है एम इन प्रेज द लॉर्ड हम खुदा हम दिस मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो पनिशमेंट जैसे हमें मिलनी थी यीशु मसीह ने उन सारे गुनाहों को जो है वो अपने ऊपर ले लिया The Lord. उसने सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें उनसे छुटकारा दे, दे दी। जो चाहते थे लेकिन वो टेम्प्ररी था वो कुछ वक्त के लिए था लेकिन जैसे ही वो दोबारा गुनाह करते उनको फिर से कफारा अदा करना तो आप आर वेरी स्पेशल के यसु मसीह ने अपने कीमती खून से

डिसिप्लिन को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि पूरी कायनात को खुदा ने एक डिसिप्लिन में रखा है और खुदा की जात जो है वो खुद भी देखे वो तरतीब का खुदा है सलीके का खुदा है और जो क्यास है वो खुदा की मखालफ कुतें जो है वो पैदा करती हैं बहरहाल कलेशियाओं में जो लेंट का सीज़न है रोज़ों का सीज़न है इसको बड़ी अहमियत दी जाती है क्योंकि ये इबादत का एक तरीका है जी। और ये खुदावंद के साथ उस रिश्ते को बहाल करने का कलीसिया में एक सिलसिला रखा गया है कि जब लोग आजजी और इनकसारी पर बहुत जोर देते हैं और आज भी आपने देखा है कि चर्चेस में जो इबादत हो रही हैं उसमें बहुत जगहों पर कलीसिया में वो राख जो है वो माथों पर लगाई जाती है पूरी दुनिया में भी आप देखें बिल्कुल और ये राख जो है वो पिछले जो गुजरा साल होता है उसके पाम संडे की जो खजूरें हैं और वो क्रॉसेस हैं उनसे वो राख तैयार की जाती है और ये आजजीकसारी का आ, हमारे सामने एक बहुत बड़ा नमूना है लेकिन मैं जिस तरफ आपकी थोड़ी सी तवज्जो और दिलाना चाहता हूँ बेशुमार कलीसियाओं में एक दुआ तवातर के साथ पढ़ी जाती है क्या जो रोजों के याम के लिए है इसको हम रोजों की मास्टर कॉलेट भी कहते हैं क्या कादर मुतले खुदा तो अपने किसी मखलूक से नफरत नहीं करता सब तोबा करने वालों के गुनाह बख्शता है हम में नए और शिकस्ता दिल पैदा कर अब ये दोनों बातें जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर के खुदा की जात में मुआफी का और रोज़ा जो है खास तौर तो पर आजजी और इनकसारी और कलाम मुकदस में बेशुमार जगहों पर हम देखते हैं जब लोगों ने रोज़ा रखा और खसूस मैं इस बात की तरफ आपकी तवजो दिलाना चाहता हूँ कि जब नैनवा के लोगों के लिए यूना नबी को खुदावन ने हुक्म दिया कि आप तुम जाओ और करो। मनादी करो और वो नैनवा की तरफ नहीं गया वो तरसीस को हालांकि वो दूर था शायद ज़्यादा पैसे भी खर्च किए टिकट पर इन अ वे उसने तो समझे अपना रिजाइन कर दिया कि मैंने यह काम नहीं करना बहुत सारी वजूहत थी शायद उस वक्त वो कौम जो थी वो सुपर पावर थी जी। और वो डरते थे कि हमने अगर जिंदा खुदावन का नाम उनके सामने ले लिया तो ये तो हमें हलाक कर देंगे जी। और हम इतनी जरूरत कर नहीं सकते कि वो जाए बहरहाल खुदावंद ने कहा कि नहीं तूने तो रिजाइन किया मैंने तेरा रिजाइन कबूल नहीं किया और वापस वहां लाया और जब उसने मनादी की तो आपने देखा है कि लोगों ने उसको किस तरह से बादशाह से लेकर आम शख्स तक और हर जगह लोगों ने टहा टोड़ा सर में राख डाली और वो तायब हो गए उन्होंने तोबा की तौबा और खसूस जो रोजों का एक मजमून है वो तोबा है और तोबा जो है ये आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है लेकिन ये यू टर्न है जी। बिल्कुल मुखालफ सिमत से आपने मुड़ना है जी। अपने रुख को बदल लेने का नाम है दाएँ नहीं बाएँ नहीं बल्कि बिल्कुल तब्दील करने का नाम है और इस आ, सारे वाक़े में जो यूना नबी के हवाले से हम पढ़ते हैं जब खुदावन ने उन्हें माफ़ कर दिया उनकी तोबा को कबूल कर लिया तो वो नाराज़ हो गया फिर बाहर जा कर बैठ गया और वो कहने लगा खुदावन से गिला करने लगा कि मुझे पता था कि इन्होंने तोबा का माफ़ी मांग लेनी है तो उन्हें इन्हें माफ़ कर देना है और मेरी मे, मैं मैं कहाँ गया लोग कहेंगे कि ये इसने का काम किया ये तो ये कहता था लेकिन खुदा ने उससे भी कि देख इतने लोग हैं और उन्होंने तोबा किया और कई जो है वो तो उन्हें पता ही नहीं दाएं बाएं का तो पता ही नहीं है जी। वो तो तमीज ही नहीं कर सकते थे तो मैं सबको बर्बाद कर देता लिहाजा दुआ तोबा रोजा जो है ये जरिया बनता है इट्स नॉट अ गोल इट्स सेल्फ लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करता है और लिहाजा की के ताकदस में हम देखते हैं कि वो मुआफ़ करता है और अभी आपने जो अपने तारफ़ में इंट्रोडक्शन में जो बातें बताई हैं बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं और उसमें जो फाइनली खुदावंद यसु मसीह के साथ अबलीस का जो मुकाबला हुआ है जी जी। और उसमें जो बातें हैं वो यही हैं कि अबलीस जो है वो इंसान के जो कमज़ोर तरीन पहलू हैं उन पर अटैक करता, करता है और जो उसकी बुनियादी जरूरियात होती हैं वो उनको ही सामने रखता सामने है, है। लेंड का सीजन जो है वो इन तमाम बातों से बाला तार होते हुए हमें उस तरफ लेकर आता है कि ये सिर्फ हम अपने आप को राख का जो निशान है वो लगाने से और ये एक सोलम बड़ा संजीदा मौका फ्राहम किया गया है कि मैं और हम सब फिर से अपना मुआजना करें एहतसाब की बहुत बात होती है लेकिन दे, खुद एहती की तरफ आए जी। अगर खुद एहतियाी आप कर लेंगे तो फिर एहतसाब का की जरूरत नहीं रहेगी बिल्कुल ऐसा ही है और खुद एत देखे ने कलाम में कहा कि तू जो अपने भाई की आंख के तिनके पर गौर करता है अपनी आंख के शरीर को देखता ही नहीं और मैं समझता हूँ कि लेंट का सीजन टाइम के हम अपने अंदर देखें देखे। अपना मुआजना करें अपनी तरफ गौर करें जब खुदामंद के हजूर हम आजीन इनकसारी के, के साथ बैठेंगे तो खुदामंद ज़रूर जब अपने आप को खाली करेंगे प्रॉब्लम यह है कि इंसान जो है वो खाली अपने आप को खाली करने से घबराता है आज भी दुनिया में लोग इसीलिए हर तरह का जरिया इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने आप को भर लें और उन्हें खौफ होता है ये दरअसल फोबिया है ये डर है खौफ है कि हमसे कुछ छिन ना जाए बात लेकिन खुदावंद के हजूर जिसने भी अपने आप को खाली किया है खुदावन ने उसे भरा है और हमारी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद ये 2021 का यह लंट का सीजन रोज़ों का सीज़न सारी कलीसिया के लिए पूरी दुनिया के लिए ऐसी मामूरी का सीज़न बन जाए कि हर तरफ बहाली और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बातें पादी शाहिद साहब ने की कि हमें अपने आप को खाली करना है और लेंट इज़ अ टाइम जब हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गुना है तो वी नीड टू रिपेंट टू गॉड बिल्कुल और बड़ी अच्छी बाबरकत बातें और यकीन नाजरीन ने भी आज की जो कलाम की बातें शेयर की गई हैं उसके वसीला से बरकत पाई है जिस तरह हमने बरकत मेरे चीज़ों रिसीव की है तो यकी ये जो रोज़ों के याम है ये जो लैंड सीजन है ये मेरे चीज़ों हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हमें ज़रूरत है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे ख़ानदान के अंदर फैमिली के अंदर आए और काम करें ये तब ही होगा जब हम आजज़ बनेंगे इंतसार अपने आप को बनाएंगे खुदा के सामने झुकेंगे और यकीन फिर आप देखेंगे कि कैसे खुदांद अपने आसमान को खोलकर आपको बरकत देता है बहाल करता है ये सारा कुछ मेरे जीजो तब ही होगा जब हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे। Lord, Maraj, खुदा के खादब ने भी बात कही आज के दिन बहुत से लोग जो है राख क्रॉस जो है वो अपने माथे पर बनाई जाती है तो मेरा जीजो राख लगाने से खाली आप आजज नहीं होंगे बल्कि अंदर से अपने आप को खुदावंद के सामने रख दीजिए और उसे कहिए मैं तेरे पास आता हूँ आती हूँ मुझे ले ले और अगर मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो तुझे ना पसंद है तो इस लेंट सीज़न में मैं चाहती हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे तब्दील कर लेंट इज़ अ ब्यूटीफुल सीज़न टू रिल्यूड योर सेल्फ क्या आप अपने आप को नया करें तरोताज़ा करें और कैसे नया करें अगर आज से पहले कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है जिन्हें निकलने की ज़रूरत है तो ये खूबसूरत सीज़न है जिसमें आप दुआ और रोजा में ठहरे खुदा के नजदीक आए और अपने आप को तब्दील करें और तब्दील जब आप करेंगे कैसे हम देखते हैं कि खुदा के खादम ने कहा कि खुदा का मंसूबा तो यही था कि नैनवा में बदी बढ़ गई है और उसको हलाक किया जाए लेकिन गॉड इजाफ मोहब्बत से भरा हुआ खुदाए जब लोग दुआ रोजा में ठहरे जब हम दुआ रोजा में ठहरते हैं तो खुदा का दिल जो है वो तब्दील हो जाता है खुदा के प्लान्स तब्दील हो जाते हैं खुदा हमारी जिंदगी में अच्छे काम करना शुरू कर देता तो मेरे जो देखिए कि ननवा के लोग जिन जो गुनाह के अंदर थे और ख़ुदा ने कहा कि वो उन्हें हलाक करेगा लेकिन जब वो लोग दुआ रोज़ा में ठहर गए तो खुदा का इरादा तब्दील हो गया खुदा ने आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ किया उनके मुल्क को बहाल किया आज अगर आप भी रोज़ा में है तो खुदावन के जुरी में झुक जाइए खुदा से कहिए खुदावन तुम मुझे माफ़ कर कोई भी गुनाह जिंदगी में है खुदा से दुआ कीजिए अपनी बातों को किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि खुदावन के साथ शेयर कीजिए और जो कुछ आज, आज आप दुआ में खुदा से मांगेंगे यीशु के फजल से वो आपके लिए कर देगा खूबसूरत गुफ्तगुत तो चल रही है मेरे चीजों खूबसूरत सीजन है लेंट का लेकिन वक्त हुआ जाता है लेते हैं शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल Viewers, break, आप आफ्टर शॉर्ट ब्रेक देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल जितने भी नाजी ने में ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आप सबों को भी राह का बुद्ध बहुत बहुत मुबारक हो आज पहला रोजा है आज से रोजों का आगाज हो चुका है मैं आपको इनक्रेज करना चाहती हूँ आप जरूर अगर हो सकता है तो दुआ और रोज़े में ठहरें और जब आप दुआ और रोज़े में ठहरेंगे खुदा के फजल से आप खुदा के नज़दीक आएंगे स्परिचुअली तौर पर रूहानी जिसमानी तौर पर बरकत पाएंगे मेन द लॉर्ड और यकीन आज के जो कलाम की बातें उनके वसीला से भी बरकत मिल रही है और ख़ुदादीशमसी की शुक्र गुज़ारी करते हैं कि आज राह का बुद्ध ऐश वेनस्टे फर्स्ट रोज़ा है और बड़ी अच्छी खुशी की और बरकत बात है कि हमें दुआ के अंदर ठहरने की ज़रूरत है खुदा के सामने झुकने की ज़रूरत है अगर आप बीमारी के अंदर हैं परेशानी के अंदर हैं हालात कैसे भी हैं मेरे चीजों खुदा मसीह के सामने झुक जाइए क्योंकि वही है जो सब कुछ करने की कुदरत ताकत जोर रखता है जब आप उसके सामने झुकेंगे उससे मांगेंगे अपने आप को खाली करेंगे तो फिर मेरे जिज़ो वो आपको भरेगा और मसीह के जलाल में आप बढ़ेंगे तरक्की करेंगे

और सतारवी आयत गौर से सुनिएगा लिखा है बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा पा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाईस से बरकत हो ये वर्ड जो मैंने आपके लिए पढ़ी सिर्फ़ आपकी इंकरजमेंट के लिए कि जब आप रोज़ा रखते हैं मेरे चीज़ों तो आपने जो है रौला नहीं डालना सारे घर वालों को यही नहीं कहते रहना कि आज मैंने रोज़ा रख लिया है रोज़ा रख लिया है मेरे चीज़ों बल्कि आप नॉर्मल रूटीन के जैसे आपके काम हैं आप वैसे ही उन कामों को करें लेकिन दुआ ज़रूर करें बहुत से लोग हैं जिन्होंने रोज़ा तो रखा होता है लेकिन सुबह उठ के जॉब पर चले जाते हैं और महज जो है वो फाका किया होता है दुआ में नहीं ठहरते तो रोज़ा जस्ट ये नहीं है कि आप फाका करें बल्कि आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें दुआ में ठहरें जब आप दुआ में ठहरेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा और ज़रूर जो आपका बाप है वो आपको इसका अजर देगा हमारे पास बल्सन एजाज हैं पास बलसन आप नाजिन को आज कहना चाहते हैं बड़ा ही बाबरकत दिन है ना सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एशवसडे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम खुदांद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने इस साल 2021 के अंदर भी हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम इस लैंड सीज़न के अंदर जो है वो दाखिल जो है वो हो सके और इंडिय जैसे पास्टर शाहिद जो है वो अब बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तफ सीज़न होते हैं इवन खुदा जो है जब उसने कायनत को तख्ली किया तो ही सेटअप डिफरेंट सीज़न इसके अंदर जैसे विंटर है समर है और ये सारे सीज़न हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आते हैं बढ़ोतरी को लेकर आते हैं स्पिरिचुअली तौर पर भी रूहानी तौर पर भी ने ईमानदारों के लिए इसी तरह से एक प्रोग्राम को जो है वो सेट किया हुआ है वी सेलिब्रेट क्रिसमस क्रिसमस के फ़ौर बाद हम लंट सीज़न के अंदर आते हैं एंड देन वी सेलिब्रेट द रेजोरेक्शन डे ऑफ द लॉर्ड जब हम उस बड़ी फतह को जो उसने हमारे लिए मुहैया की उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन थैंक्स गॉड के लंट का सीज़न जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर hmm. उस पीरियड को उस वक्त को लेकर आता है जब वन वी मेक अ कनेक्शन टू आवर गॉड जब हम अपने एक ताल्लुक़ को एक रबते को खुदा के साथ जो हम जोड़ते हैं और लेंट सीज़न इज़ द परफेक्ट सीज़न परफेक्ट टाइम है जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर खुदा के साथ होली स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को अपने ताल्लुक़ को जो है वो बेहतर करते हैं और वो किस तरह से फास्टिंग के ज़रिया से दुआ Praise के ज़रिया से Lord. खुदा के आगे झुकने से इंकसारी के वसीला से और ये, ये लेंट सीज़न जो है ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जो है वो डेवलपमेंट को लेकर आएँ वो काम वो बातें जो हम आम रूटीन के अंदर नहीं कर पाते वी हैव अ स्पेसिफ़िक टाइम फॉर दैट कि हम इस पीरियड के अंदर उन बातों को जो खुदावन को नापसंद हैं या जिनकी वजह से कोई हर्ट होता है जो हमारी लाइफ के अंदर बैरियर्स को लेकर आती हैं उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करें और स्परिचुअली तौर पर खुदावन की हजूरी में बढ़ें ताकि खुदावन की बरकत और उसकी सरफराजी हमारी जिंदगी के अंदर आए और फिर हकीकी तौर पर उस ग्रेट विक्ट्री को जो यसु यसुमसी हमारी जिंदगी कर लेकर आया है

बदन के अंदर कमजोरी है वीकनेस है वो भी यीशु के नाम से जाती रहेगी प्यारे भाई पास्टर विल्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं आप ना आज इनको क्या कहना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच सिस्टर ये फास्टिंग की बात हो रही रोजों की बात बहुत अच्छा है हमसे अक्सर सवाल करते हैं हम खुदा के खादम है कि चालीस रोजे और दूसरे रोजे मैं कहता हूँ ये चालीस रोजे नहीं बल्कि तीन सौ पैंसठ दिन हमारे रोजे हैं मैं जब मैसेज अक्सर देता हूँ हु, कहता हूँ कि लोग हमें कहते हैं एक ने मुझे कॉल की कि हम सुबह के टाइम क्या दुआ करें शाम को क्या करें रात को मैं क्या यीशु ने खुद अपनी कुर्बानी दे दी हम 24 घंटे खुदा के पास जा, जा सकते हैं जब चाहें आप यीशु के पास जाएं और रोज़े बरकत की बात है ए नैनवा की बात हुई नहीं वहाँ पे एक बर्बादी आने वाली थी खुदा का मैसेज था और जो बात खुदा कहता है वो अटल है फाइनल है लेकिन आपने इसे से कहा जब आप दिल से दुआ करते हैं तबा करते हैं रोज़े रखते हैं खुदा अपना प्लान बदल लेता है उसको तरस आ गया रहम आ गया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यसु को मानने वाले हैं हमें यसु की कुर्बानी का पता है लेकिन नैनवा के लोग शायद यसु को नहीं जानते थे वो खाकसारी में गए टाट अपने ऊपर लिया सब कुछ किया रोज़े रखे बादशाह से लेकर आखिर तक इवन उन्होंने जानवरों को भी अपनी तरह कर लिया लेकिन एंड पे ये सब कुछ करने के बाद ये कहते कि शायद खुदा हम पर रहम करें यानी इतना कुछ करने के बाद भी वो कहते कि शायद खुदा हम पर रहम करे वो कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते क्योंकि हम यस्सु पर की तरफ देखते हैं हमारा ईमान पर है हम उसके सामने झुकते हैं वो हम पर रहम करता है तो ये रोज़े बरकत का बायस है तीन सौ पैंसठ दिन ही रखें चौबीस घंटे दुआ करें एक दफ़ा दुआ करें चौबीस घंटे दुआ करें चालीस रोज़े रखें दस रोज़े रखें हम देखते हैं मूसा ने यस्ू को कोई आजमा नहीं सकता था उन्होंने हमारी बरकत के लिए कहा कि अब्लीज़ हालात कमजोरियां आपको आजमा सकती हैं अपने कायम रहना है ये सुने प्रैक्टिकल हर चीज़ तक करके दिखाइए और वो चालीस दिन का रोज़ा था फाका चालीस के दिन था जिससे हमें हमेशा की जिंदगी मिली ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तु की कि अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ 40 दिन ही रोजे रखने याम रूटीन में भी बाइबल में कोई स्पेसिफिक टाइम ही जब भी आप नीड के अंदर ख़ुदा की में झुक जाएँ बाइबल में आपको बेशुमार खुदा के खादमी मिलते हैं कि जब उन्होंने रोज़ा रखा अगर एस्टर की जिंदगी पर गौर करें एस्टर ने जब रोज़ा रखा खुदा ने उसके मुंह को बहाल किया तो मेरा जजो जब भी आप ज़रूरत में है आप रोज़ा रखें और रोज़ा रखकर दुआ करें लेकिन एक्सक्यूज को ना सामने लेकर आए तो रोजे फर्ज नहीं है तो तो जिसमें नहीं नहीं आप, तो जिस आप खुदा के नजदीक आ सके दुआ और रोजा मैंने तो भी पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं जी पादी साहब थैंक यू सिस्टर जी मैं नाज़रीन की मदद करना चाहूँगा कि रोज़ा जो है ये एक रूहानी कन्वर्सेशन है जी एक इंसान की अपने खुदा के साथ और दो चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि हम ध्यान दें एक तो ये है कि इस लेंट सीज़न को रोज़ों के दिनों को आपने ये नहीं है कि जी आपने अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए रोज़े रखने हैं इसमें कोई रूहानी पहलू नहीं है बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हम लैंड सीजन आएगा तो ऐसे रोजे रखेंगे और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने रोजे रखने हैं ताकि खुदा की मर्जी हमारे लिए बदल जाए आपने इस तरह भी रोजे नहीं रखने कि खुदावंद ये मैंने रोजा रखा है अब तू ये मेरा काम कर जी। ऐसा हरगिज नहीं करना बल्कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि हमने बड़ी इंकसारी के साथ खुदा के हजूर अपने आप को तब्दील करना है ये नहीं कि खुदा तू अपनी मर्जी तब्दील कर ले मैं तो इत ही खिलोता रहें तो इस चीज़ पर भी गौर करना है तो आखिरी बात यह है इस आज के इस एश वे के तलक़ से पादरी साहब के कलाम से पहले कि हमने हर साल जो रोज़े आते हैं खुदा हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगियों के ऊपर मेडिटेट करें और हम सभी जानते हैं कि हर साल जो पूरी दुनिया के बैंक्स हैं उनका भी एक दिन होता है और वो छुट्टी करते हैं उसमें कस्टमर्स तो नहीं जा सकते लेकिन बैंक खुला होता है वो इसलिए खुला होता है कि वो अपने कस्टमर्स के लेजर्स को देख रहा होता है कि किसका खाता क्या लेने का हुआ है सारा साल और क्या देते रहे हैं वो सारा लेजर तैयार करते हैं और खुदा भी हमें मौका देता है कि लेंट सीज़न में को सामने रखते हुए हम अपनी रूहानी जिंदगी जो सारा साल गुजारते हैं उसको देखें खास बात क्या है लैंड के सीजन में कि लीड्स अस गुड फ्राइडे आमी जब हम ऐश वेनसडे से ही अपनी तैयारी करेंगे रूहानी बातों से तो खुदा हमें गुड फ्राइडे दिखाएगा और जब हम फ्राइडे को फोकस करेंगे, तो खुदा हमें ईस्टर भी दिखाए थैंक यू वेरी मच पा साहब आपने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तु की मेरे जीजो के आश वेनजे जो है वो हमें लीड करता है गुड फ्राइडे को और आप सब जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर गुड फ्राइडे जो है वो मनाया जाता है और उसके फौरन बाद हम यु मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट करते हैं कि वो कुल कायनात के लिए जी उठा और वो आज भी जिंदा है हम इस बात के लिए खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं दैट वी सर्व अ लिविंग गॉड हम जिंदा खुदा की परस्तश करते हैं तो पाशा माना मार्सत पादी शाहिद मराज साहब मौजूद आए अब हम खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए जी पादी साहब बहुत शुक्रिया मैं सोचता हूँ की बड़ी अच्छी गुफ्तगु खुदावन के पाकरू की हदायत से हम सब ने की है जी और इस हवाले से मैं चंद एक बातें और आपके साथ और तमाम नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ और जो बातें हमने यहाँ की हैं वो यही हैं कि ये मौसम जो है ये इनकसारी और आजजी का है और आजजी और इनकसारी ये भी हमने बात कर ली कि ये सिर्फ बैरूनी इजहार नहीं है बल्कि ये अंदरूनी तब्दीली है और मैं और आप ये जानते हैं कि खुदावंद यसु मसीह खुदा का अजली कलाम और कलमा जिसके वसीला से काय बनी उसी के वसीला से इस कायनात की तजदीद मुमकिन थी इसीलिए जो आ, हमारे भाई इमरान ने जो शुरू में आयत पढ़ी है मुकदस योहना रसूल की मार्फत लिखी गई गंजील तीसरा बाब और उसकी सोलहवीं आयत खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस परिवार लाए हालात ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और खुदा की जात और शख्सियत खुदा को जब हम जानते हैं तो हम यही जानते हैं कि वो जिंदगी बख्शने वाला है जो पॉजिटिविटी है वो खुदावंद ही से मिलती है जो खुदावंद की मुखालफ कुतें हैं वही कयोस और फसाद बर्पा करती हैं जो मौत की तरफ लेकर जाती हैं और खुदा की यही ख्वाहिश थी शुरू से जब से इंसान ने उसकी हुक्म दुली की बागन से निकला खुदा ने तो इंसान को खलग किया था कि वो उसके साथ रिफाकत रखे और ठंडे वक्त में आकर वो आदम और हवा से बातें करता था लेकिन ये बात खुदा की मखालफ कुवत को अबलीस को पसंद नहीं थी और उसने एक ऐसा धोखा दिया क्योंकि अब जो है वो डसीव करता है हमेशा ही धोखा देता है और उसने उन्हें कहा कि अगर तुम ये खा लोगे तुम खुदा की मानत बन जाओगे आज की दुनिया में भी लोग खुदा बनना चाहते हैं बनते हैं यह एक सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है इंसान खुदा नहीं बन सकता और उसने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी फिर खुली आंखें उनकी आपको पता ही है कैसी आंखें खुली कि वो बिल्कुल उससे महरूम हो गए उस सारे रफाकत से और आज मेरे जीजो हमारे लिए लेंट का सीजन इस पैगाम के साथ हमारे लिए एक सदाएबाज बाजगश्त और एक नया मौका जैसे पादरी रियाज मलिक साहब ने कहा 2021 हमारी दुनिया ने कोविड 19 और पिछला साल और अभी भी बहुत सारी मुश्किलात में से गुजर रहे हैं जहां इंसान ना सिर्फ बेकस हुआ बल्कि नाउमीद हो गया और बहुत सारे लोग परेशानी की हालत में चले गए सारी दुनिया ही तकरीबन और वो लोग जो अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं वहीं से ये काम सारा शुरू हुआ जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे लेकिन सुप्रीम पावर जो है वो खुदा है और आज भी उसकी ख्वाहिश यही है कि हम उसके प्यार को खुदादमसी के वसीला से हासिल कर लें और वही हमें जिंदगी देने पर कादर है हमें आजज और इंकसार बनना है जाहरी तौर पर नहीं यहूदी भी दो रोजे रखते थे एक रोजा था लेकिन वो दो रोजे पीर को और जुमेरात को जो जब मार्केट डेज होते थे लोगों को दिखाने के लिए ये दिखाने की बात नहीं जो कलाम मुकदस में से पढ़ा गया है कि जब तू रोजा रखे यह नहीं कि बिल्कुल आजाद हो तुम जब तू तु रोजा रखे क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए इबादत है ये हमें खुद एहतसाबी की तरफ लेकर जाती है हमें खाली करने का मौका अपने आप को देती है आज अगर हमने जिंदगी हासिल करनी है उम्मीद हासिल करनी है तो अपने आप को खाली करना है और इन्हीं बातों के साथ मैं आपकी तवज्जो कलाम में मुकदस के उस मशहूर हवाले की तरफ लगाना चाहता हूँ जो पहला करण थी उसका तेरवा बाब और उसकी पूरा बाब जो है उसे मोहब्बत के गीत के तौर पर लोग जानते हैं और उसके अंदर जितनी बातें हैं वो रूहानी बरकते हैं जिनका जिक्र किया गया है लेकिन आखिर है ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों और ये दुनिया का प्यार नहीं है जो सिर्फ अपनी तरफ ही खींचता है अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करता है जिसमें लालच गर तरह की बात है आज मैं आपकी तवज्जो इस लेंट सीजन में इस तरफ दिलाना चाहता हूँ बहुत सारी दुनिया जो है वो जिसमानी अपाहजपन को डिसबिलिटी को तो रेकग्नाइज करती है लेकिन रूहानी तौर पर जो अपाहजपन है उसको रेकग्नाइज नहीं करती रूहानी तौर पर भी हम वो सारा कुछ कर रहे हैं हम रोदा रखकर बहुत सारी बुनादी कर रहे हैं लेकिन खुदाम का कलाम कुछ और कह रहे हैं हम जैसे यहां गुफ्तु हुई कि हमने इस बात का ढंडोरा नहीं पीटना बल्कि उस तब्दीली की तरफ जाना है जहाँ से हमें ज़िंदगी मिलनी और इस डिसबिलिटी रूहानी तौर पर जो माजूरी है उसका हमने इलाज करना है बाजुकात हमारी जो सेल्फ स्टाइल रूहानियत है वो रिलीजियोसिटी और फिर जो सेल्फ स्टाइल स्पिरिचुअलिटी है वो हमें बिल्कुल ही नकारा अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं खुदा की मोहब्बत खुदा मुद्दसमसी में तमाम इंसानों की जिंदगी के लिए है और ये कंपैरिजन हमने रखना है इस मोहब्बत को हमने हासिल करना है नफरतों को दूर करते हुए खुदा की इस मोहब्बत को हमने जानना है और मैं इस बात पर ख़त्म करना चाहता हूँ कला में मुकदस में लिखा है कि अगर तू अपने भाई को जिसको तूने देखा है उससे प्यार नहीं करता तो उस खुदा से जिसको तुमने नहीं देखा कैसे मोहब्बत कर सकता है उस प्यार को दूसरों के साथ बांटे जो खुदांद यासमसी के वसीला से मुझे मिला है जो हमारी निजात का वसीला बना हमारे कफारे का वसीला बना है हमें उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम चैनल बन जाएं, दूसरों के लिए अमन सलामती और ज़िंदगी का खुदांद आप सबको बरकत दे और इन्हीं बातों से मामूर भरपूर रूहानियत से सही रूहानियत से भरपूर और तमाम रूहानी अपाहजपन से शिफ़ा का ये सीज़न हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेज़ प्रेज़ द द लॉर्ड लॉर्ड हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी गुज़ारी करते हैं आज के खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए और बड़ा बरकत मैसेज जो खुदा के खादम ने आप तक पहुँचाया है हम खुदा उनकी शुक्र गुज़ारी करते हैं कि ये जो सीज़न है इसके अंदर हमें अपने आप को आजस बनाना है इंकसार बनाना है और खुदा की मोहब्बत देखें जो बेटे के साथ थी तो जिस तरह खुदांदु मसीह ने उस मोहब्बत को ज़ाहिर किया आज हमें भी देखने की ज़रूरत है क्या वैसी ही मोहब्बत हमारे अंदर है या नहीं अगर मेरे चीज़ों नहीं तो ज़रूरत है कि अपने आप को तब्दील करने की और जिस तरह खुदांद का कलाम हमें सिखाता है हमें बता है हमें उस तरह चाहिए कि अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक बसर करें ताकि ख़ुदावंत का कलाम ही है जो सब कुछ करने की कुदरत ताकत ज़ोर रखता है तो यकीनन मेरे ये रोजों के याम के अंदर आपने अपने आप पर भी गौर करना है कि कहाँ पर कमी है अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसे दूर करने की जरूरत है खुदा के सामने झुक जाइए खुदा से मांगना शुरू कीजिए उसे पुकारिए और कहिए कि खुदा मैं चाहता हूँ कि जैसे तू चाहता है मैं वैसे अपनी ज़िंदगी को बसर करूँ ग्रेस द लॉर्ड पास्टर राम मेरा ईमान है आज नाज़दीन ने ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से हमें यह आज आपने सीखा कि कैसे रोज़ों के आयाम में आपने अपनी जिंदगी के अंदर मोहब्बत को लेना है कैसे इन आयाम के अंदर आप खुदावन के नजदीक आ सकते हैं कैसे इन आयाम के अंदर आप अपने आप को खुदा जैसे चाहता है वैसे बना सकते हैं तो मेरे जीजो मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई जब आप रोज़ा रखें मेरे जीजो दिखावे के लिए नहीं अक्सर का पास इमरान कईयों ने रोज़ा रख के घर वालों को वक्त डाला होता है जी मैंने ये खाना है तो वो करना है तो ये करना है वो सारा दिन टाइम ही देखते रहते हैं कि कितने बजे खोलना है रोजा बिल्कुल <laughs> और कुछ लोग हैं जी जो कहते हैं अब कोई काम नहीं करना रोजा रखे हर गीज नहीं मेरे जीजो आप दुआ में ठहरिए और खुदावन से क़ोत ताकत और ज़ोर को मांगिए वो आपको स्पिरिचुअली तौर पर भी रिन्यूट करेगा फ़िज़िकली भी रिन्यूट करेगा और कोई भी नीड है कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है खुदा के सामने रखिए इन खूबसूरत आयाम में आपके पास ख़ूबसूरत मौका है कि आप खुदा के कलाम को सीखें आप दुआ में वक्त गुजारें रोज़ा रखें और ख़ुदा के नज़दीक आएँ और मेरे चीज़ों जैसे ऐश आयशवानसडे का आगाज़ हुआ जैसे खुदा के ख़म पास रियाज ने भी अभी कहा कि हम इसी के आगाज़ के साथ गुड फ्राइडे के अंदर भी शिरकत करेंगे और फिर इसी के साथ ये सब मसीह के जी उठने की ईद भी सेलिब्रेट करेंगे

आए मेरे चीज़ों अपनी आँखों को बंद कीजिए हम सारे खादम मिलकर खुदा की खात्मा के साथ आप सबके लिए दुआ करेंगे कि आज जिस तरह पहला रोज़ा है कि खुदावंद आपकी मदद करे रहनुमाई करे आप रूहानी जिसमानी तौर पर बढ़ते जाएं और खुदांद का रूल कुदस आपको संभाले रखे खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रोलकुदस खुदांद नासरी के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदम देख ऐश्टे के लिए राग के बुध के लिए खुदम देख के सीसन के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं और आज के खुदम देख खूबसूरत कलाम के लिए जो ख़ुदम हम देख तेरा कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करता है कौमों को तब्दील करता है बाप इस बात के लिए हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है जो ख़ुदम तुने अपने आदम को रूल कुदस की हदायत के मुताबिक कलाम की खिदमत के लिए, लिए। इस्तेमाल किया है आज तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि जिस तरह आज के कलाम के वसीला से हम सबों ने बरकत पाई इसी तरह खुदम देख देखने वाले सुनने वालों ने भी बरकत पाई है और इसका खुदम देख हम सारा जलाल सारी इज्जत ऑनर खुदम देख तेरे बेटे यसु मसी सरी के नाम को देते हैं और दुआ करते हैं कि अगर खुद हमदी कोई बीमार है कमजोरी की हालत के अंदर बीमारी की हालत के अंदर दुख की हालत के अंदर परेशानी में है तो आज हर तरह की सारी बीमारियाँ कमजोरियाँ खुदम तेरे बेटे यसु मसी नासरी के नाम से खुदम देख जाती रहे आज खुदम तेरे खात्मों का हाथ नहीं बल्कि ते तेरा हाथ बढ़ जाए और बीमार मसीह के नाम से खुदम देख शिफा पाए चंगे हों और तेरे बेटे यस्ु मसी नासरी के नाम को ज़त और जलाल मिले हर तरह की कैंसर की बीमारी हर तरह की टीबी की बीमारी हर तरह की गिल्टियाँ ठीमर रसोलियाँ मसीह के नाम से खुदम देख जाती रहे, रहे। आज यीशु के नाम में खुदम तो अपने कवि हाथ को बढ़ा एक एक भाई पर बहनों पर बच्चों बुजुर्गों पर आए ताकि यीशु के नाम में बीमार मसीह के नाम में शिफा पाए जिनके खुदम देख घुर्दे काम नहीं करते डॉक्टर ने डायलिस कहा है खुदम दे इलाज करार दिया है आज खुदम देख हम अपना हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ मांगते हैं ताकि यीशु के नाम में हर तरह की सारी थारे थारे थो 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 की शिफा शिफा दे गुर्दों की बीमारी से तेरे बेटे बेटियाँ शिफा पाएँ रिहाई पाएँ और तेरा रूल कुदिली काम करें जिनके पिते के अंदर पत्थरी है या स्टोन है मसीह के नाम में पाक, काम त्रपरू का चल नहीं सकते बेड पर हैं व्हील चेयर पर पैरालाइज हैं, हैं। मसीह के नाम में खुदम देख चलना शुरू करें जो सुन नहीं सकते देख नहीं सकते बोल नहीं सकते आज यीशु के नाम में इसी घड़ी खुदा तो अपने देखे हाथ देखे को बढ़ा बंद आंखें यीशु के नाम में खुल जाए हर तरह की हेपेटाइटिस सी की बीमारी मसीह के नाम में जाती रहे जिनके घुटनों के अंदर पेन है सर की दर्द कमर की मोरों की तकलीफ मसीह के नाम में खुदम देख जाती रहे आज तो एक एक को छू और ब्लेस कर बरकत दे जिनके पेट के अंदर पानी है बाप यस्सु के नाम में तेरा रूल कुदस एक एक का ऑपरेशन करें जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है हर तरह की स्टमक की बीमारी भी मसीह के नाम में खुदम देख जाती रहे ताकतरा पाखरू एक एक को छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा दे जिन ख़ानदानों को अबलीस ने जकड़ा है आज यीशु के नाम से हर तरह के नसर जादू टूने तवीसों के सारे असरात को खुदम तुझला यीशु के नाम से भस्म कर और इन बेटे बेटियों को खुदम तो आजाद कर बहाल कर बरकत दे ताकि यीशु के नाम में हम सब खुदम देख तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं, जो बाँच हैं बाप यीशु के नाम में तूने ब्लेस कर बरकत दे उन जोड़ों के लिए ख़ुदम तेरी बरकत चाहते हैं ताकि तूने खूबसूरत बेटे बेटियों जैसी बरकत दे ताकि तेरा रूल कदस जलाली काम करे और यस्ु के नाम से तेरे बेटे और बेटियाँ खानदान खुदम देख में तेरे जलाल में भरते जाएं और हम देख रोसों के याम के अंदर तरासमान तरा कुदस इनकी सारी जरूरतों को पूरा करे और हम देख इनकी ज़िंदगी से खानदानों से जलाल इज्जत ऑनर तेरे बेटे यस्सु के नाम को मिले तमाम चर्चेस के लिए कलिसियाओं के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं पास्टर्स के लिए खुदम तेरी बरकत चाहते हैं तो एक, एक कुछ और बड़ी बरकतें खुदम दी एक दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए बका के लिए अमन की दुआ करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए ख़ुदम तरी बरकत चाहते हैं पाक अफवाज के लिए ख़ुदम तरी बरकत चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ख़ुदम तरी बरकत चाहते हैं पाकिस्तान के तमाम इंटेलिजेंस दारों के लिए ख़ुदम तरी बरकत चाहते हैं तो एक कुछ और बड़ी बरकतें और आज के ख़ुदम देख की सारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का खुदम देख सारा जलाल सारी खुदम तेरे बेटे यसुम सी नासरी के नाम को मिले और ख़ुदम देख लैंड के सीसन के अंदर रोसों के याम में खुदम तो एक एक को बड़ी बरकत देना ताकि खानदान बहाल हों तरक्की करें सरफरासी को हासिल करें और ख़ुदम देख जलाल इज्जत ऑनर तेरे बेटे यसुम सी नासरी के नाम को मिले मसीह के नाम में चीज़ हो जिस तरह हम तमाम खादमी ने मिलकर आपके लिए ज़मीन पर जो कुछ बांधा खुदा ने आसमान पर बांध दिया जो कुछ ज़मीन पर खोला है खुदा ने आसमान पर खोल दिया आप जरूर व्हाट्सएप के इस नंबर पर जो स्क्रीन पर मौजूद है अपनी गवाही शेयर कीजिए ताकि आपकी गवाही के वसीला से खुदा वंदूसरों को बरकत दे मेरा ईमान है जैसे आज के प्रोग्राम के वसीला से हमने बरकत पाई खुदा के खादम की खूबसूरत गुफ्तु से हमने बरकत पाई आपने भी बरकत पाई थैंक यू वेरी मच पादी शायद मिराज साहब खुदा मद आपको बरकत कर दे पासर वसन असगिर खुदा मद आपको you. भी बरकत कर दे पास रियाज गॉड प्लेस यू पास वसन एजाज गॉड प्लेस यू पास इमरान गॉड प्लेस यू ब्लेस यू टू और Lord. मैं चाहता हूं कि आप ये भी जरूर बताएं कि हमने संडे सर्विस का भी गाज किया। आपको बताना चाहते हैं कि संडे की इबादत का आगाज हो चुका है खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं फजल टेलीविजन के स्टूडियो में जो ट्वेंटी फोर आवर्स सेंटर है हम हर इतवार सुबह दस से बारह इबादत करते हैं जितने भी आप किसी भी शहर से देख रहे हैं जी आपको दावत देते हैं इस संडे को हमारे साथ संडे सर्विस में शिरकत कीजिए कलाम को सुनिए वर्शिप के वसीला से दुआ के वसीला से बरकत पाए फेज दिला Amen. तो इसी के साथ ना आज दिन वक्त हुआ जाता है लेते हैं आपसे इजाजत फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में अपना ख्याल रखिए देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद